आ जाओ मेरे गले पड़ जाओ। ग्रीन ग्रीन ही है। ओके कचरे का डब्बा बन गया। हाँ अगर आपको आना है तो यहाँ रात को अगर आपके कोई दुख तकलीफ है कलेश है नींबू काट के रख सकते हैं। सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है हमारा एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आ रहे हैं फिलहाल दिल्ली में घूमने वेज टू वंडर। अगर आपको वेज टू वंडर आना है तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सराय खाले खा निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। वहाँ से 500 मीटर की वॉकिंग है, 5 मिनट में आ जाओगे। और इधर की साइड है उनका टिकट काउंटर, यहाँ जाके आप टिकट ले सकते हो। 50 रुपये प्राइस है टिकट का और 11 बजे ये खुलता है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं कैसा है ये। तो फ्रेंड्स जैसे आप एंटर करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे एंट्री पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक रेलगाड़ी खड़ी है, ये रेलगाड़ी आपने कुछ दिनों पहले भी देखी होगी। और इधर को एक और फाउंटेन है, जहाँ भी आते हैं हमें फाउंटेन पहले दिख जाते हैं। अभी कर रही है हमारे एक मित्र को वीडियो कॉल, अगर उठा लेता है तो दिखाते हैं आपको भी। अगर उठाता है तो दिखाते हैं आपको। वन एंड ओनली आयुष, आप जानते हो उसको। इधर को इधर को इधर को इधर को है एंट्री, इधर को रास्ता है। अभी आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं अंदर। 7 वंडर्स हैं पूरे, एक एक करके आपको सारे दिखाएंगे, उनके बारे में ही पढ़ाएंगे। तो अभी चलते हैं अंदर को। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है पिरामिड। ये देखिए एक वंडर्स में से है। ये बाहर का व्यू बड़ा गंदा आ रहा है, उसे इग्नोर करो आप। और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पिरामिड ऑफ गीज़ा। ये इसकी कुछ ऐसे हिस्ट्री है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन रीड दिस। अभी चलते हैं आगे। वीडियो कॉल तो उसने उठाई नहीं, अभी अगर आएगी तो आपको ही मिलवाते हैं उससे। अभी आगे और वंडर्स वगैरह देखते हैं। अभी आप जो सामने देख रहे हैं यह है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि आपका इजिप्ट में है। इसकी हाइट है 24.5 इंच, बट इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो है 455.4 इंच। सो फ्रेंड्स हियर इज द सेकंड वंडर जो आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। हियर इज द सेकंड वंडर आपको दिखाते हैं। सामने है क्या है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। ये देखो ये थोड़ा सा लीन है, ऐसी ही है, बट ये गिरता नहीं है, ये इसी पोजीशन में स्टेबल है बहुत सालों से। ये इसके बारे में हिस्ट्री है थोड़ी। यहाँ और ये फ़ोटो क्लिक जो कि आपको देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़। और भी यहाँ ऐसी प्यारे प्यारे वंडर्स हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। बट इसके अंदर जाना मना है, तो आओ तो इसके अंदर जाने की गुस्तागी ना करें। ओके ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा जो कि इटली में है। ये अनस्टेबल फाउंडेशन की वजह से 4 डे तक थोड़ा लीन है, मतलब कि टेढ़ा है। नहीं नहीं मेरी तरह नहीं है। इसकी जो हाइट है वो है 39 फीट, बट इसकी ओरिजिनल हाइट जो है वो है 183.3 फीट। अभी आप जो सामने देख रहे हैं ये है आईफिल टावर, जो कि पेरिस फ्रांस में है। इसकी जो हाइट है वो है 70 फीट, बट इसकी एक्चुअल हाइट है 1063 फीट, यानी कि 81 मंजिल जितना। आईफिल नाम जिस कंपनी ने इसको डिज़ाइन करा था उन्होंने दिया था, जिनका नाम था गुस्टेव आईफिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैफेटेरिया भी, अगर आप आते हो आपको भूख वगैरह लगती है तो आप यहाँ पे खा सकते हो। ये देखो यहाँ पे पूरा कैफेटेरिया है खाने पीने का है। यहाँ पे ये देखो ये भी वेस्ट उससे बना रखा है, पता है आपको, ये भी वेस्ट उससे बना रखा है। और पीछे जो आपको गाड़ी दिख रही है ये भी वेस्ट उससे, रेलगाड़ी के डब्बे जैसे। इसके अंदर खाने पीने का आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अभी आगे का ब्लॉक एंजॉय करो, मज़ेदार होगा। देखो देखो मज़ेदार वंडर्स हमारे साथ। यहाँ पे हमने कोशिश करी है दोबारा अपने मित्र को वीडियो कॉल करने की, जो कि रिप्लाई नहीं कर रहा है हमको। ओके तेरे घर जाके बताऊँगा, रुक जा साले फ़ोन नहीं उठा रहा ना, फिर घर जाके बताएंगे। ओके आप आगे ब्लॉग एंजॉय करो अभी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हियर इज़ द फोर्थ वंडर जिसका नाम है कोलोसियम। ये रहा सामने, और अगर आपको इसकी हिस्ट्री पढ़नी है देन यू कैन रीड हियर द हिस्ट्री। ये रही इसकी हिस्ट्री,
सेकेंडरी डे है, दिखाते हैं इसके बारे में आपको। अभी आप जो सामने देख रहे हैं यह रेप्लिका ऑफ क्लोजियम जो कि रोम इटली में है, बट ओरिजिनली इसका नाम है फ्लेमियन एम्पीथिएटर। इस एम्पीथिएटर की गैदरिंग अराउंड 50,000 टू 80,000 जो कि बहुत ज़्यादा है लिटरली। इसकी ओरिजिनल हाइट है 157 फीट और इसकी जो लेंथ है वो है अराउंड 510 फीट। इट इज़ द स्टिल द लार्जेस्ट स्टैंडिंग एम्पीथिएटर इन द वर्ल्ड टुडे। फ्रेंड्स, हियर इज़ द थिंग, अगर आप यहाँ आते हो तो यहाँ पे आप रात में आना, क्योंकि यहाँ पे रात में होती है लाइटनिंग और रात को बड़ा मस्त दिखेगा। तो ये मुझे दिख रहा है आगे क्या कर रही थी, ऐसे कर अच्छा कचरा फेंक रही थी, तू फेंक रहा है अब पीछे से कम नहीं हो, डालो हरा ग्रीन ग्रीन ही है। ओके, कचरे का डब्बा बन गया। हाँ, अगर आपको आना है तो यहाँ रात को आना, अभी हम ताजमहल पहुंच चुके हैं फिलहाल। अगर आपको आना हो तो रात में आना, क्योंकि रात में यहाँ लाइटनिंग बड़ी मस्त होती है। ताजमहल दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, हियर इज द अनदर वंडर ताजमहल। ये तो अपने इंडिया में पानी असली है, पर वो रखा है। ये पोल्यूशन से काला हो चुका है और इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। ये शाहजहां ने बनवाया था, इतना पता है बस, इसके ज्यादा मेरे को ज्यादा नहीं पता इसके बारे में। इससे ज्यादा नहीं पता हमें शाहजहां के बारे में और कुछ पता है आपको इसके बारे में? कब्र, हाँ कब्र, अंदर होगी कब्र। दरवाजा बंद है, ठीक है, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो इसको तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है ताजमहल जो कि अपने इंडिया में ही है, आगरा में। इसकी जो हाइट है वो है 20 फीट, बट इसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो है 240 फीट और इसकी लेंथ है अराउंड 365 फीट। सो हियर इज अनदर थिंग, अगर आप आते हैं, अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ बैठ सकते हैं। देखो ये देखो क्या, यहाँ रात को अगर आपके कोई दुख तकलीफ है कलेश है, नींबू काट के रख सकते हैं, आपके सारे घर के कलेश दूर हो जाएंगे। ये देखो भाई, सही में कुछ है, यहाँ से पेड़ के नीचे हट जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हिरन है और वो भी क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे पुराने मटेरियल से बना रखे हैं। ये देखो नकली हिरन, ये भी कुछ पुराने मटेरियल्स वगैरह से बना रखे हैं, पता नहीं किस चीज़ का है, बट ये समझ नहीं आ रहा है कुछ तो है। किस चीज़ का है देख, लोहा है क्या है? अब बारह सिंगा, सॉरी हिरन नहीं, बारह सिंगा है। मेरे को कुत्ता पसंद है, मैं कुत्ते को जानता हूँ बस। ओके, हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो जैसे अभी पूंछ लाएगा वो। कितने हैं ये नकली बारह सिंगा है? ये बारह सिंगा नकली है, ये जिराफ भी नकली है। देखो ये सरियों से बना रखा है जिराफ। ओ शेर, हाथी भी नकली है, शेर नहीं है वो, बाघ है। हाँ ठीक है ना, हमारे कुछ नहीं पता इसको। मेरी बेइज्जती आ रही, कुछ नहीं पता इसको। हिरन भी तो ऐसे ही दिखता था। इधर जैबरा है, ये रहा डॉल्फिन भी है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना, ओके। अभी चलते हैं, और वंडर्स भी हैं वो आपको दिखाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे वंडर्स। मेरी बेइज्जती हो गई, चलो अब नेक्स्ट स्टॉप। अभी ऑफ कैमरा बताता हूँ इसको। सो फ्रेंड्स, हियर इज द अनदर वंडर, रियो ड्रीमर, रियो रिडीमर, ठीक है, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई थी। क्या है नाम बताओ? रियो रिडीमर, अभी पढ़ा था। तुमने भी पढ़ा था, टंग स्प्लिट हो गई थी, टंग स्प्लिट हो गई थी। ओके, ये है सामने, पता नहीं क्या मांगने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो हाथ फैला के मांग रहे हैं ये। क्या मांग रहे हैं ये? आ जाओ मेरे गले पड़ जाओ। आ जाओ यार। ये रहा, इसके बारे में इनकी इधर हिस्ट्री है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन रीड दिस। दिखाते हैं अभी आपको इनके बारे में और थोड़ा बहुत बताते हैं। ये है रियो रिडीमर जो कि ब्राज़ील में है। इसकी हाइट है 25 फीट
बट इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो है 98 फीट। फ्रेंड्स, हियर इज अनदर वंडर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओके, इससे पहले का आपको एक सीन है और लास्ट में देखने को मिलेगा बिहाइंड द सीन। सामने हियर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक बात तो ठीक है, पर ये वोट क्यों मांग रहे हैं? वोट क्यों मांग रहे हैं? मेरे को वोट दो ऐसे करके चुनाव चल रहे थे जब इनका स्टैचू बना था। कुछ कहानी तो नहीं सुनी मैंने, देखूंगी गूगल में। आप देखते हैं इनका हाथ क्यों खड़ा है ऊपर ऐसे, और इनके हाथ में एक बुक है, क्या नाम है इसका, पढ़ने में नहीं आ रहा। एली और भाई कुछ तुम पढ़ लो, अंधा हूँ मैं भी अंधी हूँ। दूसरे को बोलना हुआ खुद की आंखें फूटी होंगी शक। चश्मा नहीं ला रही है वरना ये मैं आपको अभी गूगल से देख के साइड में अभी मैं लिख दूंगा कि ये बुक का नाम क्या है जिनके हाथ में बुक है, देन यू कैन रीड कि कौन सी बुक है, आप देख सकते हो उसके बाद। ओके, अभी इसके बारे में आपको बताते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में इसकी थोड़ी हिस्ट्री वगैरह बताते हैं आपको। तो भाई ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि आपका USA न्यूयॉर्क में है। इसकी जो हाइट है वो है 33 फीट, बट इसकी जो ओरिजिनल हाइट है वो है 305 फीट। आओ फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बच्चों की गाड़ी भी है, आप ऐसे राइड कर सकते हो उस पर। इसकी गाड़ी आ गई, तुम भी बैठ जाओ, इसे पीछे की डब्बा खाली है, बैठ रही हो। बाहर चलते बाहर चलते देखते हैं कुछ बचा है यहाँ, वरना चलते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होप करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेन सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसी नेक्स्ट ब्लॉग में डेली के, तब तक लिए फ्रेंड्स हियर इज अनदर वंडर। सामने क्या नाम, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लाइव काटो 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 यार काटो प्लीज।